कांबा जी पकड़ लो इसका। गरीब मारना कर मेरे सर। जीएसटी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक थी आज, किन किन विषयों पे चर्चा हुई, क्यों चर्चा चल रही थी, कसीनो वगैरह जिस तरह की जानकारी हम लोगों के पास थी, उनको एक्स्ट्रा कुछ चीज की गई? देखिए काउंसिल के अंदर 8 एजेंडाज पे चर्चा हुई है और 8 एजेंडाज को काउंसिल ने अप्रूव भी किया है, 2-3 के अंदर अमेंडमेंट्स भी आई है और साथ में जो फिटमेंट कमेटी के व्यूज थे उसके ऊपर हमने चर्चा करी। हरियाणा की ऑब्जर्वेशंस थी उसके ऊपर काउंसिल के चेयरमैन और सभी मेंबर्स ने सहमति जताई है। मुझे लगता है कि जैसे पिछले हर जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय देश का टैक्स कैसे सुरक्षित हो और आम जनता पर टैक्स का बोझ कैसे कम हो, गंभीरता से इन पर चर्चा हुई है। मेजर एजेंडाज को, क्योंकि अधिकतम मेंबर्स के ये विचार थे कि फिजिकल मीटिंग में लेके जाया जाए, तो जो जीओएम्स की रिपोर्ट्स थी उन सबको फिजिकल मीटिंग के लिए डेफर किया गया, क्योंकि उसमें इनडेप्थ डिस्कशन वर्चुअली से ज़्यादा बेहतर फिजिकली हो पाएगी। और मैं इससे सहमत हूँ कि हमारी भी एक रिपोर्ट है ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, कैसीनोज की जीओएम के ऊपर भी बैठक की रिपोर्ट अभी पूरी तो नहीं है, जितनी है वो सबमिट होनी है, तो अगली जो फिजिकल मीटिंग होगी उन पर चर्चा होगी। सर हरियाणा को लेके कुछ खास तैयारी है क्या, क्योंकि बजट की तैयारी है हाल फिलहाल में, कोई ऐसी चीज जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो? ठीक है बजट में आएगी, लेकिन हरियाणा की खुद की क्या तैयारी? बजट के लिए अभी भी पूरे प्रदेश भर में चर्चा डिपार्टमेंटली भी चल रही है, पिछले दिनों विधायकों से भी चर्चा करी और वित्त मंत्री, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मुझे लगता है पिछली बार भी उनने पूरे प्रदेश का दौरा कर कर टैक्स पेयर से अलग अलग तरीके से डिस्कशन करी थी, इंडस्ट्री से अलग करी थी, लोगों से जो उद्योगों से जुड़े थे उनसे अलग करी थी, शिक्षा के जगत से जुड़े लोगों से अलग करी थी। अभी हमारे पास विंटर सेशन के बाद भी 2 महीने का समय है और मैं मानता हूँ जैसे हमने पिछला बजट भी प्रत्येक वर्ग को लाभ मिले, अंत्योदय का सपना पूरा उसके ऊपर बनाया था और आज उसको अचीव कर पा रहे हैं। अगर हम आयुष्मान योजना को 1.80 तक ले गए जबकि सेंटर ने उसको 1.20 पे लिमिट किया हुआ था, तो हरियाणा ने एक नया कदम उठाया है। अब अगले महीने से राशन कार्ड जो है वो भी प्रदेश भर के अंदर अब 1.80 की सीमा से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और मुझे लगता है कि 17 लाख के आसपास ऐसे लोग जो आज वंचित हैं उनको हम नया जोड़ पाए। दूसरे से बाहर आती है तीसरे से घुस जाती है और आपने स्वयं हरियाणा में देखा होगा, लोकसभा हुए, विधानसभा हुए, फिर एमसीज के चुनाव आए, पंचायती राज के चुनाव है, अब हमारी 2 बड़ी कॉरपोरेशन का चुनाव ड्यू है, फरीदाबाद का, गुड़गांव का, एक नई बनी कॉरपोरेशन का चुनाव ड्यू है, 6 ऐसी कमेटियां हैं जिनके चुनाव ड्यू है, तो प्रदेश के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मंथन चिंतन करती रहती है और मुझे लगता है उसी से ही कैडर मजबूत होता है और कैडर को जो डायरेक्शन देनी चाहिए समय अनुसार हम दे पाते हैं। पार्लियामेंट में सर जवाब आया है कि हिसार में कोई इंटरनेशनल फ्लाइट अभी हम चलाने वाले नहीं है, कोई ऐसा है नहीं, तो क्या इसका? मैंने कल भी इस पे क्लेरिफिकेशन दे दी, आपको भी आज दोबारा दे देता हूँ सबकी इस पे। मुझे लगता है कि क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोई एक दिन में नहीं बनता, कई जगह तो दशकों लग जाते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में, पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इक्विवेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास हिसार में हमारी सरकार ने किया, 800 करोड़ से ज़्यादा का बजट इस साल के बजटरी प्रोविजन में लिया, जिससे अगले वर्ष तक 7,200 एकड़ जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरफील्ड है उसकी बाउंड्री वॉल कम्प्लीट हो जाएगी। एक जहाज जो 200 प्लस पैसेंजर को लेकर आता है उसको कम से कम 10,000 फुट का रनवे चाहिए, आज हिसार में 4500 फुट का रनवे एग्जिस्ट करता था, नया रनवे निर्माणाधीन है, मार्च 23 तक कंप्लीट हो जाएगा। डोमेस्टिक कनेक्टिविटी आरसीएस के अंदर ऑलरेडी हमारी है, उसको और हम बढ़ाने का काम करेंगे, मगर 4500
फीट की एयर स्ट्रिप पे आज सिर्फ 18 सीटर ही जहाज उतर सकता है, जिससे वायबिलिटी गैप जो है वो कोई भी एयरलाइन कंपनी नहीं कर सकती। जो उनने जवाब दिया है वो दिया है कि आज प्रोविजन है नहीं है। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ आज प्रोविजन नहीं है। जब हम रनवे बना लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे और उसको डेवलप कर कर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की ओर जाएंगे, जब वो इंटरनेशनल सीमाओं को पूरा करेगा तब जाके वहाँ से कनेक्टिविटी होगी, जब वहाँ कस्टम्स एक्साइज और ये सारे डिपार्टमेंट्स भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर। बेसिकली सर आप ये कह रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे विजन को हम फुलफिल कर रहे हैं। मार्च 2023 तक वी विल क्रिएट रनवे विद ऑल लैंडिंग फैसिलिटीज, जो कि किसी प्रकार में भी डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैटर कर पाएगा। एक दूसरी चीज़ है, आरसीएस के अंदर हमने नए रूट्स केंद्र सरकार को प्रस्तावित कर दिए हैं और हम 7 नई डेस्टिनेशन को 2023 के अंदर हिसार से कनेक्ट करेंगे, जिससे डोमेस्टिक ट्रैवल और बेहतर और सुदृढ़ होगा। और मैं ऑन रिकॉर्ड आज कह देता हूँ, मेरा सपना पैसेंजर फ्लाइट्स का नहीं है, मेरा जो सपना है वो हिसार को एक एविएशन हब बनाने का, जिसमें कार्गो एक्टिविटीज़ को हम ला पाए। जब हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी कार्गो कंपनी आएंगी तो पैसेंजर अपने आप आएंगे। अगर रानी आके बैठ जाएगी मधुमक्खियों की, तो ये छोटी मोटी मधुमक्खियाँ तो अपने आप आ जाती है। और उस सपने को लेकर ही हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NSIDC के साथ ऑलरेडी टाइप कर लिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ ऑलरेडी टाइप कर लिया है। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हम 2023 में जो हमारा IMC है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उसको लॉन्च कर दे और लॉन्च कर उसके अंदर उद्योग लेकर आए जो एविएशन सेक्टर से जुड़े हों, एरो डिफेंस से जुड़े हों, जिससे हमारा जो कार्गो इनपुट का जो टारगेट है उसको हम टाइमली अचीव। भिवानी रैली से आप संतुष्ट हो, नेक्स्ट राजनीतिक टारगेट आपका क्या है कि अचीव करना होता है? राजनीतिक आदमी के लिए ना तो टारगेट होते और ना संतुष्टि होती। आज मैं जींद से बड़ी रैली करूं, और हमने कर दिखाई भिवानी में, उससे बड़ी रैली और करूंगा, ये मेरा टारगेट है, मेरी सेटिस्फेक्शन है। कब होगी, कैसे होगी, ये तो कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और मैं ये मानता हूँ कि 2 साल में जो लोग हमें कमज़ोर कहते थे, ख़त्म होया हुआ कहते थे, आज उन लोगों को भी प्रदेश में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया, और बेहतर अच्छा जवाब दिया कि आज चौधरी देवीलाल के विचारों को जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी लेकर चले थे, उसको मिलकर सभी कार्यकर्ताओं ने और मजबूत किया। और मैं तो मानता हूँ कि जो रैली में टारगेट डॉक्टर साहब ने दिया हमें, बूथ सखी का, बूथ योद्धा का, उसको अब हम लेकर चलेंगे। और 1 साल के अंदर हर बूथ पर, 19,000 बूथ पर भी ऐसा मजबूत कैडर हमारा हो जो प्रदेश में ताकत और बढ़ाए पार्टी की, उस पर काम करें। कई सांसदों ने संसद में कहा है कि उनके इलाकों को एहतियात से हटा दिया जाए ताकि उनको कई तरह की दिक्कतें आ रही है, सरकार कुछ इस पर सोच रही है? ऑलरेडी हरियाणा सरकार ने तो NCRPB को लिख कर दे दिया है कि इसका रेडियस डिफाइन किया जाए। आज हमारा नरवाना है, सिवानी है, ये तो ऐसे ब्लॉक्स हैं जो दिल्ली से 150-150 किलोमीटर दूर है, मगर जिले भिवानी और जिले जींद में होने की वजह से NCRPB में आज डले हुए, और उसी वजह से कई रिस्ट्रिक्शन है, जैसे ईंट भट्टे बंद कर दिए जाते हैं। जो कोई वहाँ उद्योग है, अगर दिल्ली में पोल्यूशन होता है तो नरवाना को भी और सिवानी को भी उसका इम्पैक्ट देखना पड़ता है। तो ऑलरेडी लिख दिया गया, और मुझे लगता है नेक्स्ट काउंसिल की बैठक में इस पे निर्णय। आप ही की तरह एक और युवा नेता है हरियाणा के, दीपेंद्र हुड्डा, हिमाचल के नतीजों के बाद पूरे जोश में, और कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल के बाद अब हरियाणा की बारी है। चलो करने दो दावा, दावा करने से क्या तैयारी पूरी हो जाएगी? आज के दिन तो संगठन में जिस पार्टी के प्रधान की कोई अहमियत नहीं है, उस संगठन को बचाना मुमकिन मुझे तो नहीं लगता। और मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा पे जितना जोर लगा रहे हैं, इतना कांग्रेस ही जोड़ो यात्रा बनाए तो ज्यादा बेहतर है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ही कह रहे हैं कि कामयाब करेंगे? भाई 100 दिन हो गए चलते हुए। कल ही मैं किसी का इश्तिहार देख रहा था, अखबार में आया हुआ था, 100 दिन में आप लोगों ने तो दिखाई नहीं। कामयाब होती तो आप लोग भी अपने चैनल्स पे दिखाते।